देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना कलेक्टर पर एक महिला द्वारा लगाए गए आरोप आखिरकार गलत सिद्ध हुए। आयोग ने भी माना कि बिना पड़ताल के जांच के लिए दिए गए थे आदेश। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एक महिला ने कलेक्टर राजेश जैन पर आरोप लगाए थे कि इन दोनों के बीच कुछ अनैतिक संबंध है। वहीं ये भी आरोप थे कि कलेक्टर राजेश जैन ने भोपाल में उसे एक घर भी दिला रखा है, जिस पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कलेक्टर राजेश जैन को एक नोटिस भी दिया, लेकिन ये सारे आरोप निराधार साबित हुए। आयोग ने जब शिकायत करने वाली महिला को तामील करने के लिए पुलिसकर्मी भेजे तो काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस उक्त महिला का पता नहीं लगा पाई। जानकारी के मुताबिक पुलिस की ओर से आयोग को दिए गए अपने जवाब में ये कहा गया कि भोपाल में रिजवाना नाम की कई सारी महिलाएं हैं और बहुत ही सारी नूर मंजिल भी वहां पर हैं। वहीं सूत्रों के माने तो पुलिस ने इस पत्र को फर्जी करार दिया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक आयोग को यह शिकायती पत्र डाक के माध्यम से मिला था, तो संभवतः ये एक षड्यंत्र हो सकता है जिसके तहत कलेक्टर राजेश जैन पर आरोप लगाए गए ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। वहीं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने पोस्ट द्वारा आयोग के सामने आए शिकायती पत्र को आनन फानन में संज्ञान में लिया। इतना ही नहीं, पुलिस महानिदेशक को भी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। अब देखना यह होगा कि इस फर्जी पत्र भेजने वाली महिला को पुलिस कहां से ढूंढ पाती है और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कलेक्टर जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए ये मात्र षड्यंत्र था। कासगंज दंगे में शहीद हुए चंदन गुप्ता और पालिका बाजार एनएफएल के शहीद अरविंद सेन को नमन करते हुए राधोगढ़ नगर में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा हाई सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ हुई और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। तिरंगा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और उसी स्थान पर पहुंचकर तिरंगा यात्रा में अरविंद सेन और चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर शहीद अरविंद सेन के पुत्र एवं पिता भी उपस्थित थे। तिरंगा यात्रा का समापन राष्ट्रगान कर किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत राधोगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। यात्रा में जोश से भरे युवा तिरंगे को थामे भारत माता के जयघोष लगाते हुए चल रहे थे। यह यात्रा हर शख्स को रोमांचित करने के साथ ही उनके दिलों में देश के प्रति अपना समर्पण और नए जोश को भर रही थी। लोगों ने भी इस यात्रा का खुलकर स्वागत किया। रास्ते भर लोगों ने इन पर फूलों की वर्षा की। इसमें शासकीय स्कूलों के अलावा मदरसों के बच्चों ने भागीदारी दर्ज कराई। आकर्षण केंद्र रहे दिव्यांग भाई भी यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने अपनी तरफ से युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए थे। इसका समापन हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर राष्ट्रगान के साथ हुआ। ये तो वीडियो है मेन, बस एक ही बना लेते खत्म। Yeah!
राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आज गुना कोतवाली को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस अधीक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि इन दोनों अपराधियों पर 17,000 का इनाम था। मुखबिर की सूचना के तहत पता चला कि दोनों पारधी हड्डी मिल की दरगाह के पास बैठे हैं और गुना से बीना जाने की फिराक में थे। वहीं पुलिस को सूचना के आधार पर गुना पुलिस अधीक्षक ने टीम तैयार करने को कहा, जिसमें कोतवाली प्रभारी विवेक अस्थाना के निर्देशन में उमेश यादव के साथ एक टीम लेकर गुना स्थित हड्डी मिल पर इन दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। धनराज पारधी के पास से एक धारदार बांका तथा इनामी पारधी रामनारायण पारधी से एक भरमार बंदूक मिली। उक्त दोनों अपराधियों पर गुना जिले में हत्या के प्रयास, अपहरण और 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वर्ष 2016 में खेजरा के लखन के अपहरण का मामला मुख्य रूप से है। 2016 में थाना बापचा राजस्थान में लूट सहित हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। इन दोनों को पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी, अब जाकर इन्हें पकड़ने में सफलता मिल पाई है। निरीक्षक उमेश यादव, एएसआई मसीहा, एएसआई कार्तिक प्रसाद देवाकर, आरक्षक धीरेन्द्र राजेंद्रपाल, धीरज सिंह, इनकी टीम द्वारा विगत करीब एक सप्ताह की लगातार मेहनत से लगातार मुखबिरी के आधार पर इन दो बदमाशों को पकड़ा। एक धनराज पारधी है और एक रामनारायण पारधी है। इनको आज सवेरे मुखबिरी की सूचना पर हसी मिल और गड़ला के बीच में जंगल से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से एक भरमार बंदूक और एक बका मिला है। धनराज पारधी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था और रामनारायण पर 7,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। धनराज पारधी राजस्थान में एक मर्डर का केस है, हमारे गुना जिले के भी इसके ऊपर 7-8 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसी तरह रामनारायण के ऊपर भी एक नट है, उसके उसका केस है और अन्य 3-4 प्रकरण हमें कई जनों से बांट सकते हैं। बहुत अच्छी मुखबिरी थी उमेश यादव की, इसी मुखबिरी के आधार पर ये पकड़े गए। इसमें से दूसरा वाला बताया, जब से एसपी साहब अग्रवाल साहब अपने जिले में आए हैं, तब से लगातार बदमाशों के विरुद्ध, विशेष रूप से पारधी बदमाशों के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान जारी है। उसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक 10,000 रुपए का इनामी धनराज पारधी और 7,000 रुपए का इनामी रामनारायण पारधी, ये दोनों खेड़ा गांव के रहने वाले हैं और विगत कई वर्षों से फरार चल रहे थे। रामनारायण पारधी 2009 से एक मर्डर के केस में फरार है। धनराज पारधी पर राजस्थान में भी एक मर्डर का केस है। तो आज कोतवाली पुलिस से की उमेश यादव के नेतृत्व में एक टीम को उल्लेखनीय सफलता मिली, जिसमें एएसआई मसीह खान थे, एएसआई कांति प्रसाद, आरक्षक धीरेन्द्र, हीरज और राजेंद्र पाल। सर लगभग इनके ऊपर कितने प्रकरण कायम? धनराज पारधी पे करीब 8 प्रकरण है और उस पर भी मर्डर सहित 4-5 प्रकरण उस पर भी दर्ज। सर गुना जिले के अलावा राजस्थान में ये वांछित है और राजस्थान पुलिस को भी सूचित किया जा रहा है। वो उनके आगे अपराधों में इनसे पूछताछ करी गई है। आज हड्डी मिल और गड़ला के बीच में जंगल में से इन दोनों को टीम द्वारा पकड़ा गया है और आरोपी धनराज के कब्जे से एक बका और रामनारायण के कब्जे से एक भरमार बंदूक बरामद की गई है, जो अवैध है। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है और अन्य प्रकरण में जो वांछित हैं उनको सूचना भेजी जा रही है संबंधित थानों। आरोन में वार्ड क्रमांक 14 के रहवासी इन दिनों जूझ रहे हैं पानी की समस्या से। वहीं पानी की विकराल समस्या के चलते आज इस वार्ड के वासियों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि पिछले कई समय से आरोन के वार्ड क्रमांक के 14 के रहवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन्हें पीने के पानी भी मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज वार्ड वासियों ने किया प्रदर्शन। इनकी मांगों को देखते हुए आज नगर पालिका के सीएमओ खुद अपने दल के साथ वार्ड के भ्रमण पर निकले, जहां पर उन्होंने देखा कि पानी की समस्या वाकई इन लोगों को है, जिसके चलते सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही मोहल्ले में एक बोर भी करवा कर विधिवत सबको नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। Thank you।
हमसे मेरा निवेदन है अध्यक्ष साहब से कि हमारी सुनवाई जल्दी करें, हम पूरे मोहल्ले के परेशान हैं। हमारी आज से क्या 5 साल से जब से अध्यक्ष बने हैं जब से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पानी के लिए बहुत परेशान हैं हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा, एक बाल्टी पानी इधर से ला रहे हैं उधर से ला रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अध्यक्ष साहब से हमारा निवेदन है, पूरी नगरपालिका समिति से निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अभी पानी हम इधर उधर से भर रहे हैं, ऊपर वार्ड क्रमांक 14 में ऊपर 3-3 जेट लग रहे हैं, वहाँ का पार्षद है वो भी हमको पानी नहीं भरने देता और उधर की डोरी काट के रख लेते हैं, रात में पानी भरने जाते हैं। कौन पार्षद है? पार्षद माता दीन पार्षद है, वो सुनता नहीं है हमारी किसी की, और 2 जेट लग रहे हैं ऊपर, रात में पानी भरने आदि हम जाते भी हैं तो उसकी डोरी काट के रख लेते हैं। मैं निवेदन करती हूँ अध्यक्ष साहब से, निवेदन करती हूँ मैं, पानी हमको चाहिए, माने चाहिए चाहिए हमको पानी, नहीं तो हम एक आध जना मर जाएगा। और वहाँ पर मैंने अभी मौका का निरीक्षण किया तो देखा वहाँ पर वास्तव में पानी की समस्या है और नगर पालिका पूरी कोशिश करेगी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तो अंतिम विकल्प बोर का ही होगा, बोर में पानी निकलने के बाद सभी को वैधानिक रूप से कनेक्शन दिए जाएंगे और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान सुरक्षा संवाद पर एक दिवसीय कार्यशाला पनवाड़ी हाट में आयोजित की गई। इसके आयोजक महिला सशक्तिकरण बाल विकास एवं पुलिस विभाग था। इस मौके पर चौकी प्रभारी दिनेश साहू, अतिराज सेंगर, परियोजना अधिकारी हेमलता नामदेव, पर्यवेक्षक प्रेमलता लोधी, ममता कुशवा, कोऑर्डिनेटर सुषमा शिवरे उपस्थित रहे, जिसके बाद दहेज प्रथा बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। कोऑर्डिनेटर ममता ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं। भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म किया, मित्र ने मित्र की बहन के साथ दुष्कर्म किया, आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। माता पिता को विचार करने की जरूरत है कि 18 साल से कम उम्र में बच्चों के विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह कानूनन अपराध है और दहेज प्रथा का दानव कितनी बहन बेटियों और बहुओं को जान ले चुका है। दहेज प्रथा भी बंद होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी बाल विवाह के बारे में, थोड़ा सा घरेलू हिंसा के बारे में जान लेते हैं। आपने अभी मैडम ने आपको बताया घरेलू हिंसा के बारे में, अगर कहीं घरेलू हिंसा होती है तो किस नंबर पर हमें कॉल करना है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे जब तक आप इस कार्यक्रम से जाओ तब तक ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अभी नंबर बता देना आपने। अगर घरेलू हिंसा होती है, घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, महिला के साथ या बालक के साथ अत्याचार होता है, तो इसके लिए कौन सा नंबर हमें डायल करना है? 1098 बच्चों का, अगर बच्चों के साथ हो रहा है किसी को तो चाइल्ड लाइन का नंबर है। तो मतलब की चीज निकालने वो बरकेड़ा का कह रहे हैं सर, बरकेड़ा चालू नहीं करा तो इधर से थोड़ा सा निपटे जब तो कर देंगे। आपकी बात हो तो कह देना कि ना आप करवा देते हैं, 1-2 दिन में हो जाएगा शुरू। थोड़े ना बोलूँ तो 36 है यार, हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। धर्मेंद्र चंदेल के बैंक खाते में अचानक आए 44 लाख रुपए, इस बात की शिकायत को लेकर धर्मेंद्र सिटी कोतवाली पहुंचा। बता दें कि धर्मेंद्र चंदेल नाम का यह युवक 2008 में एक्सिस बैंक गुना ब्रांच में गाड़ी चलाता था। उस समय वहां पर पदस्थ मैनेजर ने इससे डॉक्यूमेंट मंगवाए और बताया कि डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होंगे, जब तक तुम नौकरी करोगे तब तक तो सब ठीक था, पर अचानक कुछ माह पूर्व इस बेचारे टैक्सी ड्राइवर के पास आयकर विभाग ने नोटिस भेजा जिसमें बताया गया कि इसके अकाउंट से 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया हुआ है जिसके चलते इसे टैक्स जमा करना पड़ेगा। नोटिस को पढ़ते ही इस टैक्सी ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बात की शिकायत करने धर्मेंद्र सिटी कोतवाली पहुंचा जिस पर थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं धर्मेंद्र को कोतवाली बुलाया गया और उसे बताया गया कि उसके खाते में 44,70,000 रुपया है। वहीं बैंक का कोई भी नुमाइंदा या कर्मचारी हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं,
कि आखिरकार टैक्सी ड्राइवर के खाते में इतना पैसा कहां से आया। वहीं धर्मेंद्र की माने तो वर्ष 2008 में जो मैनेजर पदस्थ था फोन करके बार बार यह कह रहा था कि तुझे थाने जाना नहीं चाहिए था। अगर तूने पुलिस को ज्यादा कुछ बताया तो मेरी पकड़ बहुत ऊपर तक है। अब देखना यह होगा कि पुलिस टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर किस तरह से कार्य करती है और कब तक दोषियों को सलाखों के पीछे डाल पाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धर्मेंद्र का यह बैंक खाता कई वर्षों पूर्व बंद हो चुका है। मैं महावीरपुरा में रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, एक्सिस बैंक की गाड़ी चलाता था 2008 में। कौन सी बैंक की? एक्सिस बैंक की। अच्छा, तो उसमें क्या है कि जब मुझे मेरा खाता खुल दिया फर्जी, मुझे पता नहीं जानकारी उसकी, और मैंने तो एक खाता खुलवाया था। इसके बाद में इनकम टैक्स वाले मेरे पास आए, उन्होंने 5 लाख रुपये इनकम टैक्स बताया मेरे लिए। अब मुझे इनकम टैक्स का पता नहीं बिल्कुल, जो 5 लाख रुपये इनकम टैक्स कहाँ से आया। बाद में मैंने रिपोर्ट डाली, एसपी साहब को आवेदन दिया, सिटी कोतवाली में आवेदन दिया। इसके बाद में पता चला कि कोतवाली में आवेदन देने के बाद में मुझे साहब ने बुलाया, तो उसमें पता चला पहले 10,66,000 रुपये का टर्नओवर था। बाद में पता चला कि उसमें 44,00,000 रुपये 136,000 कुछ जमा है अभी आपके खाते में। जी मुझे पता नहीं कैसे डाले गए और कैसे निकाले। बैंक मैनेजर ये बोल रहा है कि मैंने बैंक मैनेजर को फोन लगाया था, तो मुझसे बैंक मैनेजर ये बोलता है फोन लगाया तो मैंने कहा साहब वो खाता आपने खुलवाया था मेरा, मैंने कही इसमें मैंने कहा ट्रांजेक्शन इतना कैसे हो गया। तो मुझसे बैंक मैनेजर मुझसे जो बोलता है कि तू मुझे फोन लगवा रहा है, धमकी दे रहा है कहीं है, कहीं 2 मिनट में कमिश्नर से कह के तेरी धजियाँ उड़वा दूंगा कहीं अभी हाल कहीं, अगर कहीं तुम मुझसे चुपचाप रहेगा कहीं तो मैं उसको निपटा देता कहीं। अब तू कोई कोतवाली में रिपोर्ट डाल, वो अकाउंट नंबर मुझे पता ही नहीं और वो ट्रांजेक्शन चलता रहा और बढ़ता रहा, मुझे जानकारी नहीं हुई। क्या नाम है? डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।